नमस्ते प्रणाम आप सब भाई को। ये मेरा पर्सनल पेज है सौरभ ईश्वर पर्सनल। जो भी भाई हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं आप पहले प्लीज़ भाई को फॉलो कर लीजिए। और हम कुछ दिन पहले कुछ घर पे काम है इस कारण बिजी रह रहे हैं तो वीडियो नहीं टाइम पे जा रहा है मेरे पेज के माध्यम से। अभी समय निकाले हैं भाई सबके लिए, कुछ बात कहना था। कुछ दिन पहले हम पोस्ट किए थे, देखो भोजपुरी का सबसे चुड़वा राइटर है जो आज तक अपने कॉलम से कोई साला गाना हिट दिया नहीं और अपने आप को बोलता है राइटर, जिसका नाम है चोर पवन पांडे। पोस्ट किए थे, हमको लगता है कि जब वो जन्म लिया ना तो अगर बाप चोरी कर रहा था तो इसी से खाली गाना चोरी करके गवाता है। अब फिर बहुत लोग विवाद उठाएगा कि गलती बेटा कर रहा है तो बाप तक पहुँचे। तो भैया हम तो बाप का, हम तो चाची मौसी फुआ काकी ले पहुँच जाए, जरा जे करे कोई करे, हमारा साथ गलत करी तो हम का करें थे आप लोगों को भी पता है। तो मेरे हम किसी के पे भी पहुँच सकते हैं, अधिकार नहीं है, लेकिन जब उसको चोरी करने का अधिकार वो अपने हिम्मत से कर सकता है तो मेरा अधिकार तो मुँह है कहीं तक पहुँच सकता है। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बोलेंगे और वीडियो आप लोग के सपोर्ट से ही वीडियो मेरा उनके पास पहुंचेगा। सबसे पहले तो भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं रवि किशन जी और दिनेश लाल यादव जी, बड़े भैया हमारे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी एक हीरो हैं। गर्व से कहते हैं कि आप एक हीरो हैं, कि ये एल्बम तेल्बम से बहुत दूर रहते हैं, आप शौक से गाते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पेट भर्जन के लिए गाना गाता है एल्बम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भोजपुरी सेंसर बोर्ड जो है जहाँ जाइए वहाँ मिलिए और एल्बम में भी इस चीज़ को लाइए। और कुछ कुछ अगर मेरा बात आप लोग को अच्छा लगेगा तो इस मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम चाहते हैं दिनेश भी आपसे, रवि किशन भी आपसे, कि भोजपुरी में जो भी सिंगर हैं उनको प्लेबैक सिंगर ही रहने दिया जाए, कि वो प्लेबैक सिंगिंग ही करे। आप गायक हैं तो गायक का ही काम कीजिए। और भोजपुरी में आपको भी भैया पता होगा कि बहुत से सारे ऐसे टैलेंट वाले लोग मुंबई में भटक रहे हैं, जिसके पास टैलेंट है लेकिन नाम नहीं होने के कारण प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा, और कोई भी पैसा ही बिजनेस ही है एक। तो आप अगर चाहते हैं, आप भी भैया जब शुरुआत किए होंगे तो कितना कठिनाई उठाना पड़ा होगा, कितना परेशानी उठाना पड़ा होगा आपको ही पता होगा। तो आप तो उस रास्ते से गुजरे हुए इंसान हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारा कि इस चीज़ को बिहार सेंसर से लाया जाए, कि जो सिंगर हैं जो गायक है, क्या कि आप हमको बताइए कि भोजपुरी में दुए को ऐसा गायक हीरो का नाम बता दीजिए शुद्ध से वो हिंदी सॉन्ग पर डांस कर दे। है कोई नहीं है, मतलब खाली हे लेखा कमर हिला ले वो हीरो हो जा रहा है। भैया जिसको गला भगवान सुनते हैं बस उसको गायक बनने ही रहने दीजिए, यहाँ धोने का भी लूर नहीं है हीरो बन जा रहा है सब। तो आपसे प्लीज इस चीज से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को लाइए, आप ही हैं जो सुन सकते हैं, क्योंकि आप विवाद में रहते ही नहीं, आप भोजपुरी के आन बान शान हैं। जो भोजपुरी का कचरा कर रहा है उसको भोजपुरी का कोई इज्जत देना, कोई भी हो इज्जत करना एकदम बेकार है। आप भी सुपरस्टार हैं, आप कभी बोलते नहीं होंगे कि हमारा सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, आप भी पब्लिक के प्यार से ही बने हैं। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आप एक एक बार भाई इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कि वीडियो उनके पास पहुंच जाए, कि भोजपुरी में सब चीज़ को लानी, जो गायक हैं बस गायक का ही काम करने दीजिए। अगर आप नहीं, अगर आपको हीरो रहना है तो आप फिर एल्बम छोड़ दीजिए, दो में एक काम करा दीजिए। और सबसे पहले दूसरी चीज इतना करा दीजिए, दूसरी चीज कि किसी लड़की के नाम पे गाना ना आए, तीसरा जो गायक जातिवाद गाना गाता है सीधे उसको 1 साल का सजा हो, कोई भी हो। बिहार सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जो जातिवाद फैला के भोजपुरी का जो कचरा कर रहा है, भोजपुरी का मनसान कर रहा है, वैसे लोगों को सजा हो जो सिर्फ जातिवाद गाना गाता है, जैसे है टुनटुनुआ संतोषोआ, ये सब जातिवाद करके भोजपुरी को गंदा कर रहा है, छोटू चिंगारी ये सब। कोई किसी के पक्ष को हम पक्ष वाला बात, हम एक सही बात बता रहे हैं, सब अपना नाम बनाने के लिए लाइव आता है और जातिवाद करता है। और तीसरा चीज,
आप जितने भोजपुरी के सुपरस्टार जो आपसे जूनियर हैं, खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी, कल्लू जी, जितने भी छोटे हैं, सबको बैठाइए और इस चीज़ का पेपर बनवाइए कि अश्लील गाना नहीं गाना है, कोई भी जातिवाद वाला बात ही नहीं करना है। आज मगैया जवान सही कर रहा है तो उसका विरोध करने के लिए सब कोई घर से बोल दे रहे हैं, एक जगह बैठ का नहीं रहे हैं आप लोग। एक जगह बैठिए, पेपर बनवाइए, बोलिए कि हम सब अब साथ हैं, एक साथ रहेंगे। यहाँ तो है अपने पे बोल रहा है, उस पे बोल रहा है, तो ठीक कर रहा है, आप गलत मत गई नहीं बोलेगा। और खुशबू उत्तम जी, आपका भी एक वीडियो बहुत देख रहे हैं आप, जो आके एक तो लड़की हो के आप इतना गंदा गंदा गाना गाई हैं और कैसे आप माइक के सामने आ जाती हैं, ये सोचने वाली बात है। सही जो इंसानियत जिसके अंदर, एक कैरेक्टर जिसका सही रहेगा ना, वो ऐसा काम नहीं करेगा, गलती भी करती हैं और सीना जोड़ी भी करती हैं। आप गलत पहले से की हुई हैं, वो बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि आपका कैरेक्टर पहले गलत रहेगा, आप बाद में कितनों सही कीजिएगा तो लोग गलते बोलेगा। चोर अगर चोरी छोड़ दे फिर भी उसको लोग चोरे का लेबल देगा। तो ये सब चीज मत गई आप जब नहीं बोलता है, था आप लोग खुद बोलने का मौका देते हैं मगैया जवान को, बकचोदी कर रही हैं। लाइव आना चालू कर देना बहुत बहादुरी का काम हो जा रहा है। और खेसारी लाल यादव भैया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीम से पवन पांडे को निकाल दीजिए, ना तो अब जिस दिन गाना चोरी होगा ना किसी का भैया, तो उसका पूरा बैंड बजा देंगे। पहले बोल दे रहे हैं मेरा गाना चोरी करवाया, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द गाली भी नहीं दिए, लेकिन अब अगर भोजपुरी में किसी का गाना वो चोरी करवा दिया तो भैया उसका खानदान तार देंगे, पब्लिक के बीच पहले ही बोल रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वीडियो मेरे उन लोग के पास पहुंच जाए, और मेरा जो भी शर्त है मेरे बातों को समझे लो। अगर मेरी बात आप लोग को अच्छा लगा तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। लव यू, और पेज को फॉलो कर लीजिएगा।